हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिल गेट्स के बारे में कि बिल गेट्स कौन है, उसकी पावर्स क्या हैं, वीकनेसेस क्या हैं एंड इससे रिलेटेड अमेजिंग फैक्ट्स एंड और भी काफ़ी सारी डिटेल्स के बारे में। और हाँ, जो तुमने थंबनेल पर देखा कि बिल गेट्स ओमनीटेक्स का असली हकदार है, तो उसके बारे में भी हम इसी वीडियो में बात करेंगे एंड वो सच है, बट कुछ बेसिक डिटेल जानने के बाद। तो चलो यार, अगर आप भी इंटरेस्टेड हो ये सब जानने में तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करना। बट अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना। एंड वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, क्या आप घर बैठे हो रहे हो बोर तो खेलो गेम्स एंड अर्न मोर। पूछोगे नहीं कैसे? अरे बताता हूँ ना कैसे। गूगल पर सर्च करो www.skillclash.com। हाँ, स्किल क्लैश, क्या अभी तक नहीं सुना इस वेबसाइट के बारे में? ये एक ऐसी वेबसाइट है जिस पर आप गेम्स खेल के पैसे कमा सकते हो। मजेदार बात यह है कि आपको कोई भी ऐप इंस्टॉल नहीं करना। यहाँ कैरम, लूडो, क्रिकेट, पूल और स्केप रन जैसे इंटरेस्टिंग गेम्स खेलकर आराम से पैसे जीतो। यही सोचो ना, जीते हुए पैसे कैसे निकालें, तो झटपट ट्रांसफर करो पेटीएम, यूपीआई और अमेजोन पे में। यहाँ तक कि अपने BFGF का रिचार्ज भी करा सकते हो। और भी तरीके हैं पैसे कमाने के। अपने दोस्तों को रेफर करो, उनके बीच टूर्नामेंट करवाओ, स्पेशल टूर्नामेंट में ईयरफोन, मोबाइल, लैपटॉप से प्राइजेस जीतो। स्किल क्लैश पर अभी 1.5 करोड़ से भी ज्यादा एक्टिव प्लेयर्स हैं, तो आप लोग किसका इंतजार कर रहे हो? लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट में भी पिन है, तो जाओ स्किल्स दिखाओ एंड पैसे कमाओ। तो चलो अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। तो देखो, विलगेक्स की स्पीसीज है चिमेरा सुई जेनेरिस एंड ये टेम्परेरी लुकुब्रा की फॉर्म में और लुकुब्रा प्लस डेमोन की फॉर्म में भी रह चुका है। विलगेक्स विलगेक्सिया प्लांट से बिलोंग करता है एंड फॉर्मरली इसका रेजिडेंशियल वॉइड भी है। और विलगेक्स की एज लगभग 238+ ईयर्स है। अब थोड़ा प्रकाश विलगेक्स के बैकग्राउंड पर डालते हैं। एक क्रूअल गैलेक्टिक वॉरलॉर्ड जिसे द मोस्ट डेंजरस बींग इन द यूनिवर्स के नाम से भी जाना जाता है, वो है विलगेक्स, जिसका एकमात्र लक्ष्य है ओमनीटेक्स को पाना एंड इसकी टेक्नोलॉजी को एक्सप्लोइट करके एक ऐसी आर्मी बनाना जो कि इसकी कमांड पर एलियन में ट्रांसफॉर्म हो सके और फिर इस पावर से वो पूरे यूनिवर्स को जीत सके और उस पर राज कर सके। और अपने इसी लक्ष्य को पाने के लिए वो बार बार बेन टेनिसन को चेस करता है। वैसे बेन टेनिसन को चेस करने के और भी मकसद हैं विलगेक्स के, जैसे कि बेन के पास पावरफुल डिवाइस ओमनीटेक्स है, बार बार बेन विलगेक्स को हरा देता है एंड और भी काफ़ी सारे मकसद विलगेक्स के हैं जिनकी वजह से वो बार बार बेन टेनिसन को चेस करता है। एंड ओमनीटेक्स को पाना विलगेक्स का अब दूसरा लक्ष्य बन चुका है। उसका पहला लक्ष्य है बेन 10 को मारना। विलगेक्स पूरे यूनिवर्स में वन ऑफ द मोस्ट फियर्ड बीइंग है, जिसने अपनी पावर से 10 वर्ल्ड पर राज किया है, 5 वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय किया है एंड एक ब्लैक होल को क्रिएट किया है। पूरे यूनिवर्स में विलगेक्स की रेपुटेशन इतनी ज़्यादा फियरफुल है कि कोई भी सेंटेंट लाइफ फॉर्म इसके साथ काम करने को तैयार नहीं है, अपार्ट फ्रॉम साइफन। इन शॉर्ट, ये था विलगेक्स का बैकग्राउंड। अब बात करते हैं विलगेक्स की पावर्स एंड एबिलिटीज़ के बारे में। तो विलगेक्स के पास है इन्हेंस्ड स्ट्रेंथ, इन्हेंस्ड ड्यूरेबिलिटी, शॉक वेव्स, अर्थक्वेक जनरेशन, एनर्जी प्रोजेक्शन, सोर्ड, लेविटेटिंग प्लेटफॉर्म, लेजर बीम, सोर्ड मैनशिप, मेटामॉर्फिक आर्म, वेपन मैनिफेस्टेशन, हीट रेजिस्टेंस, वाइंड ब्रेथ, फ्लाई, स्क्विड फॉर्म, अंडर वाटर ब्रेथिंग, शार्प फीट इन स्क्विड फॉर्म एंड एज अ डैगन, इन्हेंस्ड लेजर विजन, शेप शिफ्टिंग, साइज एल्ट्रेशन एंड एज अ लुकुब्रा, इनहेंस्ड एनर्जी प्रोजेक्शन, ऑप्टिक ब्लास्ट, एनर्जी बॉल्स, मसल मैस, स्ट्रेंथ इनहेंसमेंट, इनहेंस्ड रिफ्लेक्सेस, इनहेंस्ड जंपिंग एंड स्पेस में सर्वाइव करने जैसी एबिलिटी, जैसी कुछ पावर्स एंड एबिलिटीज। तो देखो, इतनी सारी पावर्स एंड एबिलिटीज हैं विलगेक्स के पास जिनसे कि वो यूनिवर्स के काफी पावरफुल बींग्स एंड काफी सारे एलियन स्पीसीज को हराने की ताकत रखता है। अब बात करते हैं विलगेक्स से एडेड या विलगेक्स की कुछ वीकनेस के बारे में। विलगेक्स इलेक्ट्रिसिटी के अगेंस्ट काफी वीक है एंड विलगेक्स को मा वीडल और टोपिक के फेस से काफी डर लगता है एंड ये दोनों भी विलगेक्स को डिफीट कर सकते हैं। तो अभी हम बात करते हैं विलगेक्स से एडेड सबसे अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में। आई होप कि तुम्हें ऐसे एडेड फैक्ट सुनकर मजा आ जाए। फैक्ट नंबर 1, विलगेक्स बेन 10 यूनिवर्स का एकमात्र ऐसा विलन एंड बेन टेनिसन के बाद ऐसा सेकंड कैरेक्टर है जो कि बेन 10 सीरीज के फर्स्ट एंड लास्ट एपिसोड में अपेयर हुआ था। फैक्ट नंबर 2, विलगेक्स वन ऑफ द 4 ऐसे विलन्स की लिस्ट में आता है जो कि बेन 10 फ्रेंचाइज की हर सीरीज में अपेयर हुए हैं, इंक्लूडिंग बेन 10 रिबूट। एंड जो बाकी के 3 विलन्स हैं वो हैं डॉक्टर एनिमो, हैक्स एंड चार्मकास्टर। ये चारों ऐसे विलेंस हैं जो बेन 10 क्लासिक से लेकर बेन 10 रिबूट में अपेयर हुए हैं। फैक्ट नंबर 3, अगर तुम लोग मैट वैन को जानते हो तो अच्छी बात है, पर अगर नहीं जानते तो बता दूं कि ये बेन 10 के कुछ एपिसोड्स के राइटर एंड स्टोरी एडिटर हैं। तो जब इनसे पूछा गया कि विलगेक्स ने जिन 10 प्लैनेट्स पर कॉन्क्वर्ट किया है उनका नेम क्या है,
तो उन्होंने जोकिंगली कुछ ये नाम बताए। देखो मेरे प्रोनाउंसिएशन में काफी ज्यादा गलती हो सकती है, इसीलिए स्क्रीन पर आ रहे हैं, इनको पढ़ लो। फैक्ट नंबर 4, अभी जब मैंने तुम्हें विलगेक्स की पावर्स एंड एबिलिटीज बताई थी तो उसमें मैंने तुम्हें विलगेक्स की एक पावर बताई थी जो कि थी लेजर विजन। तो जो ये विलगेक्स का अटैक है लेजर विजन, ये डीसी कॉमिक्स के सुपर विलन डार्क साइड के ओमेगा बीम अटैक से सिमिलर है। वैसे तो ये ऑफिशियली कन्फर्म है, बट प्रूफ के लिए इन क्लिप्स को देख लो। आई थिंक अब तुम्हें बिलीव हो गया होगा। फैक्ट नंबर 5, विलगेक्स का जो अपेरेंस है वो कुथुलू से सिमिलर है, एंड अपेरेंस तो अपेरेंस, इन दोनों का एम भी सिमिलर है, यूनिवर्स पर कॉन्क्यूर करना। मुझे कुथुलू के बारे में ज़्यादा तो नहीं पता, बट यूट्यूब पर कई सारी वीडियोस इससे रिलेटेड तुम्हें मिल जाएंगी, तो सर्च कर लेना, इसके बारे में जान लेना। एंड सच बताऊँ तो इस इमेज को देख कर काफ़ी ज़्यादा लगता है कि विलगेक्स एंड कुथुलू एक से काफ़ी ज़्यादा सिमिलर हैं। फैक्ट नंबर 6, बेंटन क्लासिक के सीक्रेट्स एपिसोड में जो हमें विलगेक्स एंड उसकी स्पाइक बॉल व्हीकल देखने को मिले थे, उन्हें डेव जॉनसन ने डिजाइन किया था। फैक्ट नंबर 7, विलगेक्स यूजिन सन का फेवरेट विलन है। एक्चुअली यूजिन सन बेंटन के कुछ एपिसोड्स के राइटर हैं। फैक्ट नंबर 8, विलगेक्स का एक नेगेटिव पोलैरिटी वर्जन भी है जो की दिखने में शाइनिंग नाइट ऑफ जस्टिस जैसा है और ग्लीमिंग सिल्वर आर्मर को पहनता है। फैक्ट नंबर 9, तुमने काफी बार सोचा होगा कि विलगेक्स और खाइबर में से ज्यादा पावरफुल कौन सा विलन है, तो डेरिक ने ऐसा विश्वास दिलाया है कि विलगेक्स खाइबर से काफी ज्यादा पावरफुल है। डेरिक जी वाइट ने इन दोनों को लेकर एक गजब का स्टेटमेंट दिया है, एंड वो ये है कि खाइबर कैप्टन अमेरिका है तो विलगेक्स थैनोस है। एंड उन्होंने ऐसा भी कहा है कि अगर विलगेक्स एंड खाइबर अपने अपने वेपन्स के बिना भी फाइट करते हैं तब भी विलगेक्स ही जीतेगा। तो अब तो तुम लोग समझ गए होगे कि ना कि कौन ज्यादा पावरफुल है। फैक्ट नंबर 10, डॉइन एमसी डफी जो कि एक स्टोरी एडिटर एंड राइटर हैं बेंटन के, उन्होंने भी बताया है कि विलगेक्स बेंटन का मोस्ट रिलेंटलेस मतलब निर्दयी एनिमी है, जो कि सच बात है। फैक्ट नंबर 11, विलगेक्स अपनी स्पीसीज में सबसे ज्यादा पावरफुल है, एंड घोस्ट टाउन वाले एपिसोड में भी हमने देखा था कि उसके प्लैनेट के लोग उसे कितनी अच्छी तरह से ट्रीट करते हैं, वो सबकी हेल्प करता है एंड अपनी प्लैनेट वालों की नजरों में वो काफी अच्छा इंसान है। फैक्ट नंबर 12, विलगेक्स 5 प्लैनेट्स के डिस्ट्रक्शन एंड एक ब्लैक होल के क्रिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फैक्ट नंबर 13, विलगेक्स की डेथ लगभग ओरिजिनल सीरीज के इवेंट से 200 ईयर्स बाद होगी, जबकि प्रेजेंट में उसकी एज 238 प्लस ईयर्स है, मतलब 238 साल से ज्यादा है। फैक्ट नंबर 14, बेंटन ओमनिवर्स के एक एपिसोड में दिखाया गया था एक कैरेक्टर विलगेक्स जो कि विलगेक्स जैसा दिखता था, बट एक्चुअली में ऐसा था नहीं। तो जो विलगेक्स एंड विलगेक्स थे उनके वॉइस एक्टर एंड नेम साउंड सिमिलर हैं। जो मेन विलन है उसका नाम है विलगेक्स, एंड जो उसके जैसा दिखता था उसका नाम विलगेक्स नहीं था, उसका नाम था विलगेक्स। हाँ मतलब देख लो काफी ज्यादा सिमिलर है नेम साउंड एंड वॉइस एक्टर भी सेम थे। तो यार ये तो थे विलगेक्स से रिलेटेड कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। अब बात करते हैं जो आपने थंबनेल पर देखा, यानी कि विलगेक्स ऑप्टिक्स का असली हकदार कैसे है। तो देखो अगर तुम्हें वो वाला एपिसोड याद हो बेंटन ओमनिवर्स का जिसका नेम था एंड देन देयर वर नन, उसमें हमें काफी सारे बेंटन दिखाए थे, बुरे भी दिखाए थे अच्छे भी दिखाए गए थे। तो जो बुरा वाला एक बैन था बैड बैन, याद ही होगा जो सबसे पहले दिखाया गया था एक बैड फॉर्म में। तो एक्चुअली ऐसी एक थ्योरी है कि बैड बैन की डिमेंशन में जो विलगेक्स है ना उसको ऑप्टिक्स मिलना चाहिए, क्योंकि उस डिमेंशन में विलगेक्स अच्छा होगा एंड जो भी विलन होंगे एनिमो जैसे वो सभी अच्छे होंगे, क्योंकि उस डिमेंशन का बैन बुरा है। इसे तुम लोग अंदाजा लगा ही सकते हो कि मेरे कहने का मतलब सही है, उस डिमेंशन में विलगेक्स ऑप्टिक्स का असली हकदार है। जो बैन की मतलब प्राइम बैन की डिमेंशन है उसमें तो प्राइम बैन को ही मिला है सही है, बट जो बैड बैन की डिमेंशन है उसका ओमनिटिक्स का असली हकदार विलगेक्स है। तो यार ये तो थी विलगेक्स रिलेटेड पावर्स एंड एबिलिटीज, उसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री, वीकनेस, फैक्ट्स एंड और भी काफी सारी चीजें। और जो तुमने थंबनेल पर देखा मैंने उसका डाउट भी क्लियर कर दिया, तो अब तुम लोग कहना मत।
और अगर वीडियो पूरी नहीं देखी होगी तो बोलोगे ये कमेंट में। बाकी वीडियो काफ़ी दिन बाद आई इसीलिए प्यार ज़रूर दिखाना। इस वीडियो पर 10K to 20K व्यूज़ कर देना, मेरे को खुशी मिल जाएगी नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। बाकी चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लेना, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर देना। और बताया था ना स्किल क्लैश के बारे में, अभी वही गेम खेल रहा था और ये देखो जीते हुए पैसे भी आ गए फटाफट UPI से। तो भाई लोग अभी जाओ skillclash.com पर साइन अप करो और लाखों कमाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में नेक्स्ट वीडियो तक। गुड बाय एंड टेक केयर।